मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365। ये पूरी प्लेलिस्ट है और हमने 19th लेक्चर कवर कर लिया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से न्यूज़ है, एक ही न्यूज़ है ये भी, 20 लेक्चर जो होगा। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, लास्ट ईयर नवंबर 2020 ने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, जितने भी ट्रायल कोर्ट्स हैं जो क्रिमिनल केस हेयर कर रहे हैं अगेंस्ट सिटिंग एंड फॉर्मर लेजिस्लेचर, कि वो कंसिडर करें प्रोटेक्शन जो विटनेस को मिलता है अंदर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018, इवन विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर द सेम, कीपिंग इन द माइंड ऑफ देयर वल्नरेबिलिटीज, कि मतलब उन जो लोग इफेक्टेड है उनके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए विटनेस को बेस्ड ऑन द थ्रेट, कि उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट मिलती है अगर वो कुछ भी बोलते हैं। प्रोटेक्शन मेजर्स होने चाहिए जो इंटर अलाय अमंग्स, मतलब इसका होता है प्रोटेक्शन, चेंज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विटनेस या रीलोकेशन करें, इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विस सिक्योरिटी सर्विस होना चाहिए रेजिडेंस, क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है इसलिए, और यूसेज ऑफ स्पेशली डिज़ाइन कोर्ट रूम्स, ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए ताकि जो विटनेस है जो बयान दे रहे हैं अपना कोर्ट में उनकी लाइफ में कोई थ्रेट ना हो। स्कीम प्रोवाइड करती है 3 कैटेगरीज ऑफ विटनेस जो थ्रेट परसेप्शन पर होता है। कैटेगरी ए में आपका थ्रेट जो एक्सटेंड रहता है लाइफ पे रहता है विटनेस की फैमिली पे या विटनेस को, जब ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। कैटेगरी बी में आता है आपका जब थ्रेट एक्सटेंड होता है सेफ्टी रेपुटेशन या प्रॉपर्टी विटनेस की या उसकी फैमिली मेम्बर्स की, जब इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल हो रहा हो। कैटेगरी सी में ये बात करें तो यहाँ पे थ्रेट मॉडरेट होता है और एक्सटेंड होता है हरासमेंट या इंटिमिडेशन ऑफ विटनेस या उसकी फैमिली को या रेपुटेशन या प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। स्कीम के अंडर एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड, जो बेसिकली एक्सपेंसेस देता है स्कीम के, और ये फंड ऑपरेट कराया जाता है डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट देखती है। और ये कंप्राइज करता है, पहला बजटरी एलोकेशन होगा एनुअल बजट पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दूसरा रिसिप्ट होगा एनुअल जो अमाउंट है कॉस्ट का इम्पोज है, ऑर्डर जो डिपॉजिट करा गया है कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स के द्वारा विटनेस प्रोटेक्शन फंड में, थर्ड है डोनेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन फिलैंथ्रोपिस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से जो आ रहे हैं, और फोर्थ है फंड्स जो कॉन्ट्रीब्यूट होते हैं अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ ही ये न्यूज़ ख़त्म हो जाती है, बहुत छोटी न्यूज़ थी, जैसे पहले वाले लेक्चर में थी 19th वाले में, वैसी ये छोटी न्यूज़ है। अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप इंस्टाग्राम पे ये UPSC डाइजेस्ट विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी।